नमस्कार, Yalsar.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या बेहतर। आज मेरे साथ हैं थोरासी गांव के जगदीश जांगिर, जो मेरे पिताजी के बुआ के बेटे हैं। ताऊ जी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे को भी बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। परदादा का नाम तुलसाराम जी, तुलसाराम जी। दादा का नाम गोविंद राम जी, गोविंद राम जी। और दादी का नाम मोरी देवी, मोरी देवी। और पिता पूर्णमल जी, पूर्णमल जी जांगिर। माता का नाम बावरी देवी, जो यालसर से बिलोंग करती है। हाँ, हमारी बुआ दादी। हाँ, और सबसे बड़ी थी ना भाई बहनों में। हाँ, आप भाई बहनों में सबसे बड़ी मेरी माई थी। आप कितने बहन भाई हैं? पांच हैं, चार बड़ी बहनें हैं, पांच हम भाई हैं। आप कौन सा नंबर है? मेरा नीचे से भी तीसरा है, ऊपर से भी तीसरा, बीच में। बीच में। अच्छा अच्छा, आपकी शादी कितने साल हो गए? फरवरी 78 में हुई थी। कौन से गाँव? ससुराल के दे बारवा है, जाजर के पास, झुंझुनू जिले में, बसावा के पास। और संतति, संतान? संतान दो हुए थे, एक छोटा एक्सपायर हो गया था, एक बच्चा है सुरेश। सुरेश। हाँ। और सुरेश की शादी हो गई? शादी हो गई, नवलगढ़। अच्छा, और ताई जी का नाम नहीं बताया आपने? संतरा देवी। संतरा देवी। और पोते पोती? दो पोते हैं, बड़ा अंकित कुमार, आर्यन कुमार, छोटा अंकित कुमार। छोटा अंकित कुमार स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, एक प्रिंस में पढ़ता है, एक गोविंद का। तो जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने एमए किया, एमए पॉलिटिक्स से, एमए हिस्ट्री से, डबल एमए सीकर से। सीकर से एसके कॉलेज। तो पढ़ते समय आपके प्यारे गुरु जी, जो जिनसे आप ज्यादा प्रेरित रहे हो? सीकर के थे माधव प्रसाद। माधव प्रसाद जो पंकज जी डॉक्टर शर्मा, उनके पिताजी थे वो। मैं हिंदी पढ़ाते थे, बहुत ही जोरदार गुरु जी थे। ताऊ जी, आपने सोना चांदी का काम है, ये कब शुरू किया था? मैंने वैसे तो पढ़ते वक्त ही कभी कभी करता था, घर का काम था। हाँ, घर का काम था इसलिए वो। लेकिन पिताजी का ऐसमय मृत्यु होने के कारण ये मेरे ही गले लग गया, इसलिए मुझे करना पड़ा, संभालना पड़ा। हाँ, तो जब से आपने ये सोना चांदी का काम शुरू किया था, तब से लेकर अब तक कितना फर्क महसूस किया आपने? खूब हो गया। पहले तो भाव बहुत सस्ता था, 250 रुपए तोला था सोने का। हाँ, चांदी का? चांदी लगभग 6 रुपए तोले थी। क्या बात है, 6 रुपए तोले। हाँ, 6 रुपए तोले थे जब मैं करता था। अब क्या भाव है? अब चांदी 43,000 रुपए किलो है, सोना है लगभग 29,000, 10 ग्राम का। इतनी महंगाई तो किसी चीज में नहीं बढ़ी होगी ना? हाँ, मजदूरी में नहीं बढ़ी होगी ना? मजदूरी भी उस वक्त 2-3 रुपए थे। अच्छा, गहनों का चलन में फर्क आया? मोटा गहना आया, पहले मोटा गहना था, आजकल फैंसी बनने लग गए। तो सारा काम आप यही करते हैं, कुछ शहर से करवा के लाना पड़ता है? मैं भी करता हूँ, कुछ करवाना पड़ता है बंगालियों से, कारीगरों से, छोटा जो बारीक काम होता है ना वो, उनसे, कारीगरों से भी करवाना पड़ता है। अच्छा, हम जांगिर लोग सोने चांदी का काम करते हैं और कुछ सुनार भी करते हैं, तो उनके काम में और फर्क आता है? हाँ, जांगिर अच्छा काम करते हैं, उनसे विश्वसनीयता बनी रहती है ना? विश्वसनीयता बनी रहती है। अच्छा, ये जो सोने चांदी काम करते हैं, तो क्या होता है, शहरों में तो लोगों के पास पैसे भी रहते हैं, वो नकद ज्यादा रहता है, लेन देन उधार कम होती है। हाँ, ये एक दिक्कत है थोड़ा, गाँव में उधार रह जाती है थोड़ी, पूरा शादी का काम निकालना पड़ता है ना? हाँ, निकालना, डूबत भी आ जाती है, डूबत आ जाती है। तभी काफी लोग जो है, काफी लोगों को बंद करना पड़ता है आगे। हाँ, चल के ना, वो आगे चल के वो थोड़ा छोड़ देना पड़ता है। ताऊ जी, आपकी राजनीति में रुचि है? है, हम CPIM से बिलोंग करते हैं। CPIM मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। तो कितने साल हो गए आपको? दो आदमी, चार दफे हमारा एमएलए जीता है, कॉमरेड कहते हैं वो। हाँ, वही तो। तो और अभी हमारे ही ताऊ जी की पुत्र वधू है, वो जिला परिषद से, हम उसको लड़ाया था, जीते हैं। क्या नाम है? रेखा। रेखा जांगिर। अच्छा अच्छा, तो ये जो वोटों की राजनीति होती है, तो उसमें क्या कटुता आ जाती है परिवार में, समाज में ना, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं 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 नहीं, जो नासमझ होते हैं वो करते हैं, इसमें क्या, वोट अपनी जगह, एक समाज अपनी जगह, फिर भी लोग समझते हैं कि वोट मुझे नहीं दिया। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। ताऊ जी, आप घूमने के लिए किधर किधर गए हैं? घूमने इंडिया में हिमाचल, कश्मीर, ये अच्छी जगह लगती है। कौन सी जगह अच्छी लगी इनमें? इसमें हिमाचल बहुत अच्छा है, पूरा अच्छा है। हाँ, कश्मीर भी अच्छा है, लेकिन आजकल थोड़ा माहौल वहाँ खराब, ठीक नहीं। और फॉरेन में मैंने सिंगापुर देखा है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर देखा है, बैंकॉक देखा है, पटाया देखा है, अभी दुबई जाके आया हूँ एक डेढ़ महीने। पटाया अकेले गए थे? नहीं, वो और साथी थे हम, तीन चार। अच्छा,
कोई हमारी थाईलैंड है ना कंपनी थी, कोई मेक्स उसका प्रोग्राम थाईलैंड का बीच है ना। अच्छा अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खूबसूरत है ना, एकदम बढ़िया। तो इनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको, दुबई में, थाईलैंड में, बैंकॉक ये में? वैसे इस समय दुबई थोड़ा आगे निकला, लेकिन सिंगापुर मुझे सबसे अच्छा लगा। सिंगापुर अच्छा लगा ना, सिंगापुर का मौसम है, हरियाली है, सफाई है, छोटा सा टापू लेकिन अच्छा है ना। हाँ, बहुत सुख समृद्धिशाली देश है, बहुत अच्छा। ताऊ जी, ये जो अपने गांव में थोरासी में लोक देवता है पीर जी महाराज, पीर बाबा हाँ, मजार तो है उसकी, उनके मजार है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? ये बुजुर्गों से सुना कि 500-600 वर्ष पुराना है, और पहले बीच में तो ये जर्जर हो गया था, अब गांव वालों ने मिलके इसको दोबारा से तैयार किया है। खेल वेल होते हैं, अच्छा साल का मेला लगता है, और लगभग 35 से 40 के बीच में हर महीने गले से इनकम होती है इसकी। अच्छा, 35 से 40 हजार हर महीने? हाँ, हर महीने। तो वो कोष उसका बैंक में जमा होता है वो? हाँ, बैंक में अकाउंट किया हुआ, वो समिति है, वो संभालती है, और वो पूरा इसका वो रिटर्न वितरण सब सब। तो जो पुजारी होता है उसका फिक्स तनख्वाह है कि वो सेवा भाव? वो सेवा भाव से करते हैं, नहीं तनख्वाह देते हैं उसको। अच्छा, आपका गांव थोड़ा सा कितना बड़ा है? लगभग 500 घर है। 500 दो वास हैं, एक खरसाड़ू एक थोरासी, दोनों मिला के। खरसाड़ू क्या कहानी है, क्योंकि मिलता है दूर तो दिखता नहीं, खरसाड़ू मिला हुआ है लेकिन। वैसे तो ये इकट्ठा ही है, लेकिन ये रजवाड़ों के टाइम पे कुछ हो गया था वो खालसार, वो ऐसे ठाकर के नीचे वो शिकर थोड़ा सा उधर हो गया, इसलिए रेवेन्यू में जमीन में थोड़ा खरसाड़ू थोरासी हुआ, और बाकी के सब के खरसाड़ू के भी थोरासी लगा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई निश्चित। तो अपने खेती कितनी बीघा है? खेती हमारे 40 बीघा थी, पांच भाई है, 8 बीघा कुछ और, 8-10 बीघा मान लो, 10 बीघा। 40 बीघा में को ट्यूबवेल है? ट्यूबवेल पहले था, अब हटा दिया। अब हटा दिया क्योंकि वो बंटवारा हो गया, जमीन भी ज्यादा उपज नहीं होती ना, करने वाला नहीं है ना कोई, इसलिए। जी, पढ़ते समय आपके मन में भी कोई ख्याल था कि ये बनू वो बनू, कोई ऑफिसर अधिकारी बनू, बाद में मजबूरी नहीं करना पड़ा था? वो पिताजी ऐसे में होने के कारण ये काम ही मेरे गले गल गया, नहीं कुछ था विचार था अपने जिंदगी से, विचार तो था ज्यादा, फिर मौका मिला नहीं ना। अब खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में देसी खाना, देसी खाना। मिठाई अच्छी लगती है? मीठे में क्या? मिठाई ज्यादा नहीं खाता। सब्जी किसी अच्छी लगती है? सब्जी हरी सब्जी, पालक पनीर सबसे अच्छी लगती है। फलों में फल कौन सा अच्छा लगता है? फलों में केला है, संतरा है, सेब है, अंगूर है। रंग कौन सा अच्छा लगता है आपको? रंग सफेद। कोई वार शगुन वगैरह को मानते हैं आप? नहीं नहीं, ये तो सब डकौंसल है। नहीं, अच्छा, फिल्में देखते हैं ना? फिल्में अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे। आपका पसंदीदा हीरो कौन सा था? वो हीरो पसंद नहीं, वो फिल्म की कहानी अच्छी होती है ना, तो वो हीरोइन भी पसंद नहीं थी? नहीं नहीं, वो कहानी के ऊपर थी। अच्छा, महापुरुष कौन सा अच्छा लगता है आपको सबसे ज्यादा? सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है। क्रांतिकारी लोग, क्रांतिकारी, इन्होंने दिया देश को। गांधी जी ने बहुत दिया है। गांधी जी वो अलग थी, बीच में। अच्छा, आप किताबें पढ़ते हैं? हाँ। कोई लेखक पसंद है आपको? सभी पढ़ते हैं, वो लेखक क्या है, जो अच्छी किताब होती है वो पढ़ते हैं। प्रेमचंद की खूब अच्छी किताबें हैं। भाषा सीखी कोई और अपने हिंदी राजस्थानी के अलावा? अंग्रेजी आती है थोड़ी, काम चलो लग चला लेते हैं काम। अच्छा, ये सोना चाहिए काम करने के अलावा और क्या शौक है आपके? और बागवानी करता हूँ। बागवानी करते हैं, उसका अच्छा आपको पता है? तो ये जो बागवानी करते हैं, फलदार पौधे लगाए आपने? हाँ, फलदार भी, सेब भी है, थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं। सेब तो मैंने, अमरूद है, हाँ लग रहा, देख लेना आप, बेर जितना हो लग रहे हैं, 3-4 उसके। तो आपका जो गांव है थोरासी, कुल मिलाकर क्या माहौल है इसका, सांप्रदायिक माहौल कैसा? एकदम बढ़िया, यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होते हुए, हम पीर बाबा की मजार संचालित करते हैं, संचालित करते हैं, अच्छा मेला लगता है ये वाकई में। तो ताऊ जी, आप राजनीति से जुड़े, आपने कोई सरपंच का चुनाव लड़ने नहीं सोचा? नहीं नहीं नहीं, चुनाव नहीं, इतना नहीं लड़े, चुनाव नहीं। हाँ, हमारे में पिताजी ने पीर बाबा में खूब पहले शुरुआत में जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था। हाँ, पहले अच्छा, पुराना खंडरसा हो गया तो शुरुआत में उन्होंने करवाया था, क्योंकि हमारा खेत उसकी तरफ है, तो आते जाते वो फिर धीरे धीरे होता। गांव में कोई गौशाला वगैरह है? गौशाला नहीं है। नहीं है। और स्कूल कितनी है? स्कूल मिडिल स्कूल है, दो है, एक उधर करसाड़ो में, एक थोरासी में, प्राइमरी भी है, एक अस्पताल वगैरह है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र है ना। कोई सार्वजनिक भवन नहीं है जहाँ 12 ठहरती हो, ऐसे कोई कुछ नहीं है ना? नहीं, घरों में एक है स्कूल के पास में, वो
सामुदायिक भवन। ताऊ जी एक बात बताओ कि जैसे सरकारी योजना जो होती है वो सरकारी योजना किसी गांव को तो मिल जाती है किसी को नहीं मिलती, ये डिपेंड करता है कि पार्टी कौन सी पार्टी से सरपंच है? नहीं हमारे तो यहाँ हुआ है, काम खूब करवाया हमने। अच्छा, एक एक पीछे वाला ये रास्ता है वो भी हमारी उसमें ग्राम पंचायत मान लो, एमएलए के लीड से मान लो, अभी सरपंच कौन है? सरपंच पलथाना से है, बनवारी लाल। अच्छा, आप कितने गांव की पंचायत है आपकी? ये तीन गांव समझो, पलथाना थोरासी और एक खरसाड़ू, इसको एक मान लो या पलथाना दो, थोरासी दो है। दो तो ज्यादा बार सरपंच पलथाना का था कि थोरासी का था? पलथाना बड़ा गांव है, पलथाना बड़ा गांव है, ज्यादा तो कोई भेदभाव महसूस होता आपको कि भाई? नहीं ऐसा कोई वो क्या एक ही बात नहीं है, ठीक है ना, पूरी पंचायत एक ही गांव होता है क्या? ठीक है। ताऊ जी एक बात और बताओ, बोलो। कौन सा देश रह गया जिसे आप घूमना चाहेंगे इनके अलावा? अभी अभी यूरोप का टूर बाकी है, वो करना चाहते हैं। अच्छा देश है, अच्छे देश है ना। तो यूरोप में तो आपको फिर इंडिविजुअली वीजा लेना पड़ेगा कि सबका एक साथ आ जाएगा? देख लेंगे वीजा आता है ना, हाँ सेनेगल ले लेंगे, सबका आ जाएगा ना, हाँ सेनेगल घूमेंगे। सेनगेन। ठीक है ताऊ जी, समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आगे भी आपसे दोबारा कभी समय मिला तो साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, ठीक, अब तक के लिए धन्यवाद।